Hey guys, welcome to my channel. I'm Pragya and I'm back with my new vlog of George Everest part 2. Guys, George Everest का part 1 आ चुका है और अगर आपने उसको नहीं देखा है अभी तक तो प्लीज देख लीजिए और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। Hello guys, so this is my first trekking. कुछ नहीं पता क्या करना है कैसे करना है। मैं आई हूँ जॉर्ज एवरेस्ट जो कि मसूरी में है और काफी ज्यादा ऊंचाई पे है और अभी अब मैंने 2-2.5 किलोमीटर की वॉक करके मैं यहाँ तक आई हूँ। जॉर्ज एवरेस्ट यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ का व्यू मैं आपको दिखाती हूँ। इसके बाद बहुत ही ज्यादा ऊपर है, इतना ऊपर है ना कि मतलब चलते जाना अभी 2-3 घंटे की जो हमारी वॉक है ना वो और होने वाली है। वो बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है और काफी सारे चेंजेस हो गए, काफी डेवलपमेंट कर दिया यहाँ की गवर्नमेंट ने। सो थैंक्स टू द गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड एंड मजा आ रहा है। चलो तो अब हम आगे चलते हैं। आगे का नजारा कुछ इस प्रकार है। कभी भी आप देहरादून मसूरी आते हैं तो जॉर्ज एवरेस्ट पे ज़रूर आना। वहाँ पे अब कैंपिंग भी स्टार्ट हो चुकी है तो आप अकॉर्डिंग टू योर प्लान या बजट अपना कैंपिंग प्लान करके आ सकते हो आराम से। और अगर आपको अपने कैंपिंग से रिलेटेड कोई भी एक्सेसरीज लेना है, आइटम लेना है, अमेज़ॉन के थ्रू आप ले सकते हो। अमेज़ॉन पर काफ़ी अच्छे डिस्काउंट मिल रहे हैं और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, तो आप मेरे लिंक के थ्रू जाकर शॉपिंग कर सकते हो। गाइस, जॉर्ज एवरेस्ट पे आने के लिए कोई सही समय नहीं है। आप जब जिस भी मौसम में आओगे आपको यहाँ पे बहुत नया एक्सपीरियंस मिलेगा और बहुत ही ऑसम व्यू होता है। सो यहाँ से आप बहुत ही एक हैप्पी एक्सपीरियंस लेके जाओगे। दोस्तों, मैंने पहले वीडियो में बताया था कि यहाँ पे पहले इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं थी और इतना ज़्यादा यहाँ पे ना ऑप्शन अवेलेबल नहीं थे खाने पीने के, और एंटरटेनमेंट का भी कोई ज़्यादा ऑप्शन नहीं था। बट व्यू बहुत अच्छा था, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है। आप इतनी ऊंची चढ़ाई चढ़ के जाते हो, पहाड़ों के जो व्यू आता है वो बहुत ऑसम होता है। बट यहाँ पे अब काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। भूख लग गई गाइस, तो अभी यहाँ पे हम आए हैं कुछ खाने। यहाँ पे मैगी है, चीज़ मैगी, नॉर्मल मैगी, ऑमलेट वगैरह है, नूडल्स भी बन जाएंगे लेकिन टाइम लगता है उसमें। तो हम यहाँ पे कुछ खाने आए, मैंने ऑर्डर कर दिया है चीज़ मैगी, मेरा मैगी और चाय बन रहा है। तब तक मैं यहाँ से ना व्यू का नज़ारा लेती हूँ। दिस इज ऑसम ना। और यहाँ का जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, नॉर्मल डॉग्स, वो भी यहाँ पे होते हैं, पहाड़ी कुत्ते जो होते हैं, इतने क्यूट हैं। और मैं एक वीडियो उनके अभी डालूंगी, मैंने शॉर्ट्स डाली होगी, आपने देखा होगा, वो इतना क्यूट है। उसको पीछे पीछे भाग रहा था, किसी ने खाना दे दो, खाना दे दो। एंड वो जितने जितने बहुत जॉली नेचर कुत्ते होते हैं, सो जितने लोग आए ना सबके पास वो जा रहा है, खाना मांग रहा है। गल रहे हैं, ठंड बहुत है और ऊपर से ऐसा नजारा दिखेगा। चलो गाइस, आई थिंक मेरा ऑर्डर आ गया है। तो
गाइस अब हम जॉर्ज एवरेस्ट निकल कर वापस अपने होटल को जा रहे हैं। और जितना ऊपर हम ऊपर जितना चढ़ के आए थे चढ़ाई आई थिंक 3-4 किलोमीटर उतना नीचे उतर के जाना है। और बारिश हो गई यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, भींग चुकी हूँ मैं, रोड बहुत ज़्यादा स्लिपरी है, बट ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा अच्छा व्यू था, मज़ा बहुत आया। ठंड तो इतनी ज़्यादा है ना वहाँ पे, ऊपर नेटवर्क बिल्कुल नहीं रहता है कि मैं टेम्परेचर चेक करूँ, कुछ भी चेक कर सकूँ। और इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस ओवर देयर। ऑल्सो वहाँ पर मेन चीज़ करती थी सबसे सही लगा ना, अब ना काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया। जो डेवलपमेंट था इन द सेंस कि जब मैं लास्ट टाइम आई, मैंने पहले ही बताया ना, ये सब कुछ नहीं था, बिल्कुल नहीं था। और रोड पूरी टूटी फूटी थी, रोड बन गई, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह हो गए हैं। कल यहाँ पे रक्षा मंत्री आ रहे हैं ऐसा सुना है मैंने, तो उसकी वो भी तैयारी भी चलती। और जॉर्ज एवरेस्ट अगर कभी भी आते हो तो पहले से ना जॉर्ज एवरेस्ट आने का रास्ते वालों से पूछा करो। गूगल दीदी पे कभी भरोसा मत करना, गूगल दीदी ना सही नहीं बताती हमेशा, यहाँ पे कई रास्ते हैं और कंफ्यूजिंग हो जाता है थोड़ा। ऑलमोस्ट आ गए हम लोग, गाइस तो हम आ चुके हैं जॉर्ज एवरेस्ट नीचे और पिक्चर पैलेस जहाँ पे मैंने होटल लिया था, मैं वहाँ आ गई हूँ। काफ़ी मतलब 800 मीटर दूर है मेरा होटल, मेरे को पेड पार्किंग करनी होती है यहाँ पे डेली अपनी स्कूटी, क्योंकि यहाँ पे तो मॉल रोड है, घंटाघर पे मॉल रोड पे कमर्शियल व्हीकल अलाउड नहीं है। तो कमर्शियल व्हीकल जो भी होती है ना यहाँ पे पीली पट्टी वाली गाड़ी, वो अलाउड नहीं होती है। सही पर्टिकुलर जगह है यहाँ पे, सारी पेड पार्किंग अवेलेबल है। मेरे से बोला नहीं जा रहा क्योंकि मेरा ना दांत किट कर रहा है ठंड से, और अभी टेम्परेचर यहाँ का 4 डिग्री सेल्सियस है। और मैंने स्कूटी पार्क की, अब यहाँ से हम पैदल डिस्टेंस कवर करने वाले हैं। और अगर मैं यहाँ से व्यू की बात करूँ तो यहाँ से व्यू कुछ ऐसा आता है। दोस्तों तो हम दिखाते हैं आपको अपने होटल का व्यू और उसके बाहर का जो व्यू था, पहाड़ों के बीच में जो होटल था उसका व्यू। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना और लाइक कर देना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा एंड शेयर कर देना दोस्तों। तो गाइस हम आ चुके हैं अपने रूम में और ये हमने होटल बुक किया है। होटल की डिटेल्स मैं आपको शेयर करूँगी, होटल पाए नहीं रहे। और ये मसूरी में मॉल रोड पे बहुत ही सही होटल है, व्यू बहुत अच्छा है, रेंट भी बहुत, इसका रेट जो बहुत ज़्यादा नहीं था, अफोर्डेबल है मसूरी के अकॉर्डिंग, तो बहुत सही है यार। और अस बात है कि यहाँ पे फ्री वाईफाई है, तो चूँकि आई एम वर्किंग और सो मैं दिन में ट्रैवल कर रही हूँ, रात में काम कर रही हूँ, तो मैं यहाँ बैठ के अपना रात में काम कर सकती हूँ, दिन में ट्रैवल करूँगी। खाना भी मैं यहाँ से ऑर्डर कर सकती हूँ, उनका डाइनिंग स्पेस भी काफ़ी अच्छा है। पे रूम मैं दिखा रही हूँ, दिस इज परफेक्ट, और मज़ा आ रहा है और ठंड बहुत है, तो सारी फैसिलिटीज तो सारी यहाँ पे है।
गाइस अब इस वीडियो को हम यही एंड करते हैं, और आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और सब्सक्राइब करा देना। एंड नेक्स्ट व्लॉग बहुत ही अच्छा होने वाला जो कि धनौल्टी का है, और धनौल्टी इज़ रियली वेरी ऑसम प्लेस इन उत्तराखंड। सो स्टे ट्यून्ड।